आज की क्लास के तहत सभी विद्यार्थी द पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था। देखिए दो चीजें आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग एकदम कंफ्यूजन मत होइएगा। अभी आप लोग पूरे तरीके से जितना पढ़ाया जाता है उसको अपने कॉपी में नोट करते चलिए, ठीक है, डेट वाइज नोट करते चलिए। अरे बस इतना ही होगा, आगे वर्क करना होगा आपको। आप लेसन वाइज आपका बुक में कैसे है उसको आपको बता दिया जाएगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, आसानी से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि अभी हम केवल बेसिक टर्म ही आपको बता रहे हैं। जैसे अभी लेटर बताया गया, वर्ड्स बताया गया, सेंटेंस बताया गया, काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताया गया, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताया गया। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हमने एक टॉपिक उठाया डिटरमाइनर। डिटरमाइनर में हमने क्या बताया? आर्टिकल, ठीक है। अब वैसे आपका हम पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किए, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे हमने बताया पहले कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके हैं। उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपका क्या है? नाउन। तो आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो क्या है? नाउन। अब कह दिया गया कि हमने कहा था कि जिस दिन आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर होगा, पूरा होगा, उस दिन आपका इंग्लिश ग्रामर अप्रॉक्सिमेट पूरा हो जाएगा, ठीक। क्योंकि उसके बाद आपका कंपोजिशन पोर्शन आता है। तो कंपोजिशन पोर्शन क्या अलग से कोई सीखता है क्या? इसी के बीच में जब आप सेंटेंस बनाना सीखते हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग करना सीखते हैं, एडवर्ब का प्रयोग करना सीखते हैं, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, तो ये सारी चीजें जब आपके पास शब्दकोश हो जाएगा, आपके पास प्रूवर्स हो जाएंगे, इडियम फ्रेजेस हो जाएंगे, आप बाद में क्या कर सकते हैं? इन्हीं का यूटिलाइज करके कंपोजिशन पोर्शन भी सीखेंगे, ठीक। तो आज के टॉपिक के तहत हम लोग लेते हैं नाउन टॉपिक, और ये पहला पार्ट ऑफ स्पीच हमारा है। इसमें आपको पढ़ना है नाउन। देखिए, तो किसी किताब में जो ग्रामर की है उसमें लेटर पहले दिया है, फिर वर्ड दिया है, फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस दिया है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है? पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया है। तो मान लीजिए हमने आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी बता दिया है, हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी बता दिया है, हमने सेंटेंस फ्रेज और क्लास भी बता दिया है, हम नाउन को लेते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा पहला है। तो इसमें क्या पढ़ने हैं हम? सबसे पहले मान लीजिए आपको बताया कि डेफिनेशन आपको पढ़नी, क्या पढ़नी है? डेफिनेशन, क्लियर। हमने लिख दिया नाउन इज द नेम ऑफ, लिखा गया, अ पर्सन, अ प्लेस, और हमने लिख दिया क्या? थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। चलिए कि हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, मतलब संज्ञा बोलते हैं। देखिए बेसिकली नाउन जो होता है ना हमारा डोअर होता है। डू मतलब करना, डोअर मतलब करने वाला। तो जो संज्ञा होती है, संज्ञा हमेशा क्या होती है? डोअर, मतलब किसी चीज को करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ठीक। अब यहां पर आपको इतनी चीजें तो पता है कि नेम ऑफ पर्सन जैसे राम मोहन सोहन, नेम ऑफ प्लेस जैसे हमने इलाहाबाद, प्रतापगढ़, वाराणसी, मुंबई, ठीक है, इंडिया, ब्रिटेन, चाइना, जापान, कुछ भी लगा दिया, प्लेस का नाम हो गया। नेम ऑफ थिंग्स जैसे हमने लिखा पेन, बुक, टेबल, फैन, ये सब क्या है? नेम ऑफ थिंग्स है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ नेम हमारे इमोशंस के होते हैं, उनको भी हम नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हमने लिख दिया आपका ट्रुथ। अब लिखा गया क्या है? ये थिंग है, प्लेस है या पर्सन? नो, नेम ऑफ आइडिया, नेम ऑफ थिंकिंग, नेम ऑफ फीलिंग, जैसे ऑनेस्टी, जैसे ब्यूटी, जैसे स्ट्रेंथ, ठीक है। ये सब क्या है हमारे? ये नाउन है, मतलब जिनका कोई रूप नहीं होता, आकार नहीं होता, लेकिन हम क्या करते हैं? फील करते हैं, ये हमारे क्या है? नाउन है। बाकी अदर एग्जांपल्स आपको आपकी बुक में ढेर सारे मिलेंगे, उनको आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। अब यहीं पर हमने आपको लिखा एक टॉपिक आपका बताया हमने, दूसरी हेडिंग में लिखा नेचर ऑफ नाउन, नाउन की प्रकृति। ध्यान दीजिएगा, नेचर ऑफ नाउन, नाउन की प्रकृति क्या होती है इसको आप समझ लीजिएगा।
जनरली नाउन बिहेव्स ठीक है इन सिंगुलर। नाउन का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है? सिंगुलर होता है ठीक है। टू चेंज इट इनटू प्लूरल वी यूज यस और एस ठीक है और सम इंटरनल चेंजेस। इंटरनल चेंजेस अब क्या हो गया कि कोई आपसे नाउन की प्रकृति पूछता है जैसे कहा गया नेचर ऑफ अ टीचर, नेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, नेचर ऑफ अ बीस्ट, नेचर ऑफ अ कैट, नेचर ऑफ अ कैमल, नेचर ऑफ अ लायन, तो सबकी अपनी प्रकृति होती है। वैसे हमने कहा नाउन की जो प्रकृति होती है बिहेवियर जो होता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। इसे प्लूरल में चेंज करने के लिए हम इसमें क्या जोड़ देते हैं? यस या ईएस जोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? नाउन का हमारा दो रूप भी होता है अगर उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग टू हम देखें तो वो क्या हो गया? इसी को हम कहते हैं नाउन नंबर। ध्यान दीजिएगा क्या बोलते हैं? नाउन नंबर। नंबर मतलब जानते हैं आप लोग? वचन। और अंग्रेजी में जो होता है नाउन नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स। नाउन नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स। इसके दो प्रकार होते हैं ठीक है। पहला आपका क्या हमने बता दिया? फर्स्ट सिंगुलर नाउन और दूसरा हमारा क्या हो गया? प्लूरल नाउन। अब यहां पर आपने पहला तो डिफिनेशन लिख लिया, इसके बाद क्या लिख लिया? दूसरा नेचर और तीसरा क्या लिखा? नाउन नंबर। और नंबर में हमने क्या कर दिया? एक सिंगुलर नाउन होता है एक प्लूरल होता है। सिंगुलर को हम एक वचन बोले और प्लूरल को हमने क्या बोला? बहुवचन ठीक। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिक सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन में डिफरेंस क्या? अब जैसे हमने लिखा यहां पर बॉय मतलब एक सोज वन इन नंबर। सिंगुलर केवल एक सोचेगा कि एक नंबर में संख्या में है। हमने लिखा बॉयज। एक सोज मोर देन वन मतलब एक से अधिक अगर क्या होगा तो प्लूरल नाउन होगा। जैसे हमने लिख दिया मान लीजिए यहीं पर लिखा चाइल्ड। देखिए चाइल्ड लिखा। अब यहां पर हम चाइल्ड नहीं लिखते बल्कि हमने चिल्ड्रन लिख दिया। या देखिए हमने लिखा था कुछ इंटरनल चेंज करने से हमारा प्लूरल बन जाता है। हमने लिख दिया चिल्ड्रन। जैसे यहीं पर लिखा गया डॉग और इसका प्लूरल हमने लिख दिया क्या? डॉग्स। बट यहीं पर हमने लिखा क्या? फूट और इसका प्लूरल हमने लिख दिया क्या? फीट। मतलब इसके कुछ रूल्स होते हैं कि नाउन नंबर तो दो होता है, एक सिंगुलर होता है एक प्लूरल होता है। लेकिन सिंगुलर को हम प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए हम उसमें यस जोड़ते हैं। यस कहां पर जोड़ेंगे? जो कॉन्सोनेंट होगा। और ईएस कहां जोड़ेंगे? जहां पर लास्ट में कोई नाउन हमारा किससे एंड होगा? वावल से होगा ठीक है। जैसे टोमेटो टोमेटोस ठीक। जैसे ऑक्स है तो ऑक्स का हम बोलते हैं तो ऑक्सन हो जाता है, ऑक्सेस नहीं करते। ऐसे ही हम कहीं पर अगर इंटरनल चेंज होता है जैसे हमने यहां देखे फूट लिखा था यहां क्या हो गया? फीट। यहां पर चाइल्ड लिखा था यहां क्या हो गया? चिल्ड्रन। जबकि डॉग को हमने क्या लिखा? डॉग्स। और बॉय को हमने क्या लिखा? बॉयज। तो इसको भी आप अपनी बुक से पढ़ेंगे कि नाउन को किस तरीके से एक वचन को हम बहुवचन में चेंज करते हैं और इसके क्या रूल होते हैं। अभी तक आपने पढ़ लिया डेफिनेशन, नेचर और नंबर। क्लियर। अगला टॉपिक जो हमारा है वो नाउन के काइंड्स है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नाउन काइंड्स। देखिए अब कहा गया काइंड्स ऑफ नाउन।
काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। तो इसको हम दो रूपों में बताते हैं, ठीक है, कैसे हम नाउन के प्रकार को बताते हैं। पहला आपका आता है जो काइंड्स ऑफ नाउन है वो ओल्ड डिवीजन मतलब कि जो हमारा पहला विभाजन किया गया था, जो हमारा पहली परंपरागत विभाजन था उसे हम ओल्ड बोलते हैं। और यहीं पर दूसरा हमारा आ गया मॉडर्न डिवीजन ऑफ नाउन, मॉडर्न डिवीजन ऑफ नाउन मतलब नाउन का जो आधुनिक विभाजन है वो आता है। क्लियर हो गया? देखिए ओल्ड डिवीजन, इसके अनुसार इट हैज फाइव काइंड्स, इट हैज फाइव काइंड्स, इसके पांच प्रकार होते हैं। और मॉडर्न में अगर हम कहते हैं, हम कहते हैं इट हैज टू काइंड्स, इसके दो प्रकार होते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए इट हैज फाइव काइंड्स, पांचों प्रकार कौन कौन से हैं आप लोग याद करिएगा। सबसे पहले पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन। क्लियर हो गया? और इसी के साथ हमने यहां पर लिख दिया आपका पांचवा काइंड्स जो आया वो था आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर हो गया? अब नाउन के पांच प्रकार, पहले तो सबसे पहले आपको सीरियल से याद रहना चाहिए, कहीं पर जाते सिंपली कोई टीचर पूछ लेता है व्हाट इज द काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, तो कहीं प्रॉपर बता दिए, कॉमन बता दिए, कलेक्टिव मटेरियल बताए और उसके बाद छोड़ के फिर चले गए क्या काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल बताने लगे। नहीं, आपको सीरियल से पता होना चाहिए मतलब कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। क्लियर? अब इसके बाद अगला क्या है, हमने कहा जो ए मॉडर्न डिवीजन है इसके तहत दो तरीके से हमने डिवाइड किया, पहला काउंटेबल नाउन, काउंटेबल का मतलब विच कैन बी काउंटेड, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, और इसके बाद अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते वो हमारा क्या होता है अनकाउंटेबल हो गया। जैसे यहां पर लिखा गया बुक कैन बी काउंटेड, काउंटेबल, मिल्क कैन बी काउंटेड, नो, सो इट इज अनकाउंटेबल। क्लियर हो गया? अब देखिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मतलब, काउंटेबल का मतलब जिसकी गिनती कर सकते हैं, अनकाउंटेबल का मतलब जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब यहां पर अगला जो हम आता है, मान लीजिए हम इसका थोड़ा सा प्रकार जिक्र कर दे रहे हैं लेकिन डेफिनेशन आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन होता क्या है, नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस ऑफ थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है, नेम ऑफ द सेम काइंड ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, तो आपका कॉमन नाउन होगा, ये तो कलेक्शन शो करता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। मटेरियल, बाय द सब्सटेंस बाय विच, द सब्सटेंस बाय विच थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेम ऑफ इमोशन फीलिंग एंड थिंकिंग इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये पांचों की डिफिनेशन आपको लिखना होगा। जैसे मान लीजिए हमने प्रॉपर नाउन में लिख दिया इंडिया, ठीक है, आपका क्या हो गया प्रॉपर नाउन। जैसे हम लिख दिया रामायण, आपका क्या हो गया प्रॉपर नाउन, आर्टिकल द ले लेगा यहां पर। कॉमन नाउन, जैसे हम लिख दिया गर्ल, बॉय, आपका क्या हो गया कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन,
जैसे हमने दिया क्लास, फ्लीट, जूरी, आपका क्या हो गया कलेक्टिव नाउन। इसी तरीके से मटेरियल नाउन, जैसे हमने लिख दिया मिल्क, आपका मटेरियल नाउन हो गया। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे अभी लिखा था आपका, ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। क्लियर हो गए? तो ये आपके नाउन के क्या हुए प्रकार। तो पांच प्रकार, ओल्ड डिवीजन, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। और यहां पर मॉडर्न डिवीजन में हम चलते हैं तो इसके भी हम दो प्रकार पाते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में जिसकी गिनती कर सकते हैं, अनकाउंटेबल में हम जिसकी गिनती नहीं कर सकते। ये आपका क्या हो गया, ये तो नाउन के प्रकार हो गए और नाउन का नेचर, दो चीजें आपको बताया गया। अगली चीज हम आपको बताने चल रहे हैं जो नाउन के बारे में है, उसको समझिएगा। देखिए अगला जो टॉपिक हमारा आता है नाउन जेंडर नंबर, चूंकि आपको बताया जा चुका है, अब वो नाउन जेंडर। जेंडर मतलब जानते हैं, नाउन मतलब संज्ञा हो गया और जेंडर मतलब लिंग। और ये हमारा शो करता है कि कोई चीज हमारा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। ठीक, तो हम यह सब कह सकते हैं अगर हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, द बिहेवियर ऑफ नाउन विच शोज द फीचर ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन इज कॉल्ड नाउन जेंडर, इसे हम नाउन जेंडर कहते हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा होता है मैस्कुलिन जेंडर, पहला हमारा आता है मैस्कुलिन, मतलब प्रधान जेंडर है। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा हमारा आता है फेमिनिन जेंडर, दो चीजें होंगी मैस्कुलिन और फेमिनिन। क्लियर, मैस्कुलिन पुलिंग और फेमिनिन स्त्रीलिंग, जैसे अब बॉय मैस्कुलिन, गर्ल फेमिनिन, फादर मैस्कुलिन, मदर क्या हो गया फेमिनिन। जैसे हम ले गए किंग, क्या हो गया मैस्कुलिन, क्वीन क्या हो गया फेमिनिन, लायन मैस्कुलिन, लायनेस क्या हो गया फेमिनिन। तो ये हमारा मैस्कुलिन और फेमिनिन हो गया। बेसिकली नाउन जेंडर हमारा दो ही रूप में होता है, मैस्कुलिन होता है फेमिनिन होता है, बट हम यूज के आधार पर इसका तीसरा रूप दे देते हैं और तीसरा रूप हमारा कॉमन हो जाता है। क्या हो जाता है कॉमन जेंडर। और ये जो कॉमन जेंडर होता है ना, एक दोनों को जो बोध कर, मतलब दोनों को एक साथ, मतलब बताए कि मैस्कुलिन है या फेमिनिन, या कंफ्यूजन क्रिएट कर दे। जैसे टीचर, अब देख के बताएं क्या है मैस्कुलिन है फेमिनिन, पता नहीं। अब जैसे लिख दिया डॉक्टर, मैस्कुलिन है फेमिनिन, पता नहीं। लायर मैस्कुलिन है या फेमिनिन, पता नहीं। अब ऐसी जो चीज आएगी वो आपका कौन सा जेंडर होगा, कॉमन जेंडर। क्लियर, और इसी में एक चीज बताया गया, इसमें जेंडर तो होता है लेकिन ये नहीं पता होता कि मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। लेकिन नाउन में हमारा चौथा आता है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं, हम बोलते हैं न्यूटर, न्यूटर जेंडर।
न्यूट्रल जेंडर क्या है, हम इसके अंतर्गत ध्यान दीजिए, ठीक है, द नाउन विच शोज, द नाउन विच हैज, ठीक है, नॉट एनी क्वालिटी ऑफ जेंडर, क्वालिटी ऑफ जेंडर मतलब ऐसा नाउन जो ये शो करता है कि उसमें किसी प्रकार का मतलब क्वालिटी ही नहीं है, किसकी, जेंडर की, अब वो आपका क्या होगा, न्यूट्रल जेंडर, जैसे हमने बुक लिख दिया, अब क्या है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन, नहीं पता, ठीक, जैसे हमने लिख दिया टेबल, मैस्कुलिन या फेमिनिन, पता नहीं, इसमें कोई जेंडर है ही नहीं, ठीक है, और जेंडर का मतलब क्या होता है, जो अपनी जैसी अगली संतान को मतलब क्या कर सके, जनरेट कर सके, जिनमें कैपेसिटी हो, वो आपका जेंडर होगा, या तो मैस्कुलिन होगा या फेमिनिन होगा। अब ऐसे ही आपका जैसे लिख दिया स्मॉल इंसेक्ट्स, जहां पर हम जेंडर फाइंड आउट नहीं कर पाते, जैसे मॉस्किटो, लिजार्ड, ठीक है, फ्रॉग, जहां पर हम जेंडर फाइंड आउट नहीं कर पाते जनरली, उनको भी हम किसके अंतर्गत रखते हैं, न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। तो आज जो टॉपिक आप हमने लिया, उसमें हमने आपको नाउन की डेफिनेशन बताई, नाउन का नेचर बताया, नाउन के नंबर बताए, और उसके बाद नाउन के काइंड्स और नाउन जेंडर यहां तक बताए हैं। अगला जो टॉपिक हमारा होगा उसमें हम आप लोगों को नाउन की पोजीशन और नाउन की केस बताएंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।